आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा दादा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान, नई सुबह और नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, रोजाना कोई ना कोई नमूना आता है यहाँ पर और किसी ना किसी फील्ड से बिलोंग करता है और न्यू टैलेंट होते हैं, ये भी बताती चलूँ। ऐसे आज के जो गेस्ट हैं उनका भी ताल्लुक कुछ टिकटॉक की दुनिया से है। टिकटॉक क्यों बनाते हो यार तुम लोग, क्यों बनाते हो, मुझे ये पूछना है आज। टिकटॉक से क्या फ़ायदा है यार, क्या नुकसान है, पैसे आते हैं या जेब से जो है वो भी जाते हैं, ये भी मैं पूछूंगी। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे अब्दुल्ला को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हो? मुझे लग रहा है आज का गेस्ट जो है बोलेगा, सुनेगा नहीं बोलेगा। जी इंशाल्लाह। कैसे हो? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाचा किया है? जी जी। नहीं किया तो? नहीं करके। मुझे ये बताएं टिकटॉक क्यों बनाते हैं? टिकटॉक ये मेरा मतलब शौक है, जैसे मेरे काफी दोस्त बनाते थे। ये भी शौक है? जी। अच्छा शौक है? बस शौक है, वैसे मेरे दोस्त काफी बनाते थे तो पहले मैं देखता था। तो एक मेरा कजन है, वो थोड़ा उसकी वीडियो चल रही थी तो लोग उससे मिलने लगे तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी ये वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैंने जो वीडियो जब बनाई, मुझे मेरी वीडियो नहीं चल रही थी तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा मैं अभी जो है ना ये टिकटॉक छोड़ दूंगा। फिर जो है ना ये माशुक बलोच जो बनाता है, माशुक बलोच तो हमेशा छड़ा ही, हाँ छड़ा, तो फिर उसने मुझे थोड़ा साथ दिया, उसके साथ से थोड़ा फिर मैं भी उसके साथ वीडियो बनाना शुरू किया तो फिर मुझे ज्यादा शौक हो गया उसमें। अच्छा जी। कितने व्यूज आ जाते हैं? तो मेरे तो इतने तो नहीं, तकरीबन 1K 2K पे, इतने ज्यादा नहीं आते। पहले मेरी अच्छी चलती थी, एक आईडी थी वो मेरी बैन हो गई। हम लोग तो 30K 40K, आपकी ज्यादा चल रही है, 80K पे भी कहते हैं, बस ये व्यूज आए हैं और 1-2K वाले भी, ये अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बोला। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप लोग के अच्छे आते हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, आपके भी अच्छे। नहीं नहीं मेहनत, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना मेहनत करते रहो, 80K 90K हमें बीट करेंगे। जी अच्छा, और मेरे जो फेसबुक पे है ना वो ज्यादा व्यूज आते हैं, उस पे मेरे 5K पे भी गए हैं, 6K पे भी गए हैं और उसमें मेरी अच्छी वीडियो चलती है। इसमें मतलब कम, अभी तो मेरी आईडी फिर न्यू स्टार्ट हो गई है दोबारा। फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट अक्सा जमाल। अक्सा जम यार ये क्या है? हाँ, ये क्या है अक्सा, ये क्या है? अक्सा जमाली फेवरेट है? जी बिल्कुल। और बॉयज में? बॉयज में अली, अली हैदराबादी। जी अक्सा की कौन सी वीडियो अच्छी लगती है? इस पे देखो ना, उसकी सारी वीडियो अच्छी है। हाँ उसकी जो वीडियो देखो उसकी अच्छी है। अच्छा जी। और ये मुझे बताएं मेरे शो पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने बोला है बहुत अच्छा? नहीं अच्छा लग नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। आपने फेवरेट टिकटॉकर का बता दिया, आपको अक्सा को देख के तो नहीं वीडियोस का शौक हुआ कि अक्सा फेमस है तो मैं भी वीडियोस बनाऊं? नहीं नहीं अच्छा, एक दफा ऐसे भी हुआ हमारे साथ, हम वीडियो बना रहे थे और ये मतलब तीन है ना इनका ग्रुप है, आशा अलीशा, तो हम वीडियो बना रहे थे तो उस टाइम मेरे को मतलब बिल्कुल नए नए थे, उस टाइम हम वीडियो बना रहे थे, अचानक वो भी वहाँ पे आ गए। अरे तो क्या फीलिंग्स होंगी? हाँ जो जब वो आए तो सब बोल रहे थे अक्सा अक्सा, उस टाइम हकीकत में मुझे ये नहीं पता था कि अक्सा मतलब इतना फेमस है। अच्छा। हाँ वो नहीं था तो सब बोले लड़के मेरे जो कजन लोग थे, अक्सा अक्सा आ गई, उन लोगों ने भी वीडियो बनाई, मैंने भी बनाई, अलीशा से बनाई। जब मैंने उसको देखा मैंने कहा माशाल्लाह इसको तो बड़ी फेमस है ये तो, और उस टाइम इसका ऐसे हमारे साथ होता है कोई मिलके जाता है ना तो हमें हल्के मिल रहा होता है, जब हमें जाके सर्च करते हैं अरे हम इससे मिलके आए थे, फिर बोलते हैं यार टाइम है तो टाइम तो, मैंने कहा निकल आई देखिए ना टाइम, पहले क्यों नहीं पता था, ऐसे होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाता है। और ये अक्सा को मैं लिंक खास तौर पे कॉपी करके भेजूंगी। अच्छा कि आपको नहीं जानता था, आपको जानने के बाद इसने जो है। हाँ सीरियसली मैं मतलब मैं उसको नहीं जानता था पहले, तो फिर मैं जब वीडियो बना रहे थे वहाँ पे आ गए तब हमने देख के फिर और भी मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसके वीडियो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे। सिंधी वीडियोस होते हैं ना, क्योंकि हम सबका एक सिंधी कंटेंट है, सिंध से मोहब्बत है, सिंधी सॉन्ग से प्यार है मुझे खास तौर पे, तो हम लोग सिंधी सॉन्ग। जी जी बिल्कुल सिंधी से प्यार है, और हम ज्यादातर जो है ना सराय की सिंधी, और मैं जो है उसमें ज्यादा बनाती है ना सराय में भी। कोई साउंड जो पहला साउंड आपका वायरल गया हो? वो उर्दू से गया है गाने पे। कौन सा था वो? एक गाना है उस पे गया था, जैसे क्या गाने का नाम था, मतलब एक डायलॉग था उसका, ये धड़कन मूवी है ना उसका एक डायलॉग था वो जो। मैं मूवी नहीं देखती। अच्छा मूवी? हाँ आप मूवी नहीं देखती? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं टीवी खोलती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने काफी शोज किए, मेरा रिसेंट अभी बोल पे शो चला था तो कल चला है शायद। हाँ मेरी बहन मुझे आके बोल रही है आप ही बोल पे आ रही हो, बोल पे आ रही हो, मैंने कहा बंद कर शो, मैं करके आई हूँ, मैं क्यों देखूँ। अच्छा मतलब ये नहीं है कि आप अपना शो देखें? नहीं
ठीक बात है। अच्छा मैं एक दफ़ा माशू के साथ आवाज़ टीवी पे गया था प्रोग्राम पे, वो प्रोग्राम जब मैं वहाँ पे कर गया ना तो वो मैं 3 मरतबा देखा, मैंने देखा इसमें कोई मिस्टेक तो मेरी नहीं आई है। और मैं अपने ये वाले जो मॉर्निंग शो करती हूँ भी होता है, जैसी बात है मेरी मदर बहुत केयरिंग है, लविंग है, वो ओपन करती है मुझे, बताती है ये देखो तुम्हारे बाल यहाँ से ऐसे थे, ये देखो तुम्हारा दुपट्टा यहाँ से ऐसे था, मैं कहती हूँ मम्मा बंद करें मुझे मेरी आवाज़ बुरी लग रही है। नहीं नहीं माशाल्लाह प्यारी आवाज़ है और ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो अल्लाह ने दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। नहीं नहीं ऐसे तो मुझे खुद पे प्राउड है, मैं प्यारी हूँ। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे तो मुझे प्राउड है। नहीं नहीं अपने ऐसे बोलना, कोई और भी बोले ना ऐसे तो अच्छी बात होती है। कह रहे लोगों का काम है बोलना, और मुझे हेटर्स बहुत मिलते हैं, मुझे मेरे हेटर्स से भी प्यार है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था हम लोगों से वक्त लेते थे, आज एक टाइम ऐसा है लोग हमसे वक्त लेते हैं। तो टाइम आता है, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, कभी ना कभी आएगा, यकीन रखना चाहिए खुद पे कि मैं ये कर सकूंगा तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ऐसा ही है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं अभी टिकटॉक को छोड़ कर स्नैक पे चला जाऊं, फिर स्नैक को छोड़ के अभी मैं इंस्टाग्राम पे चला जाऊं, तो ऐसे मतलब वो पीछे रहती जाएंगी चीज। अच्छा अब्दुल्ला मुझे आप, मेरा दिल चाह रहा है आज आप मुझसे सवाल करें थोड़ी देर के। हाँ मैं ये अभी आपको कहने वाला था जी, के लिए 5 मिनट के लिए चांस देती हूँ आपको, मैं होस्ट मैं जी जी स्टार्ट। पहले तो मैं ये सवाल करूँगा कि आपका फेवरेट टिकटॉकर? नो वन। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, मैं खुद फेवरेट हूँ। क्या फेवरेट हो? अच्छा खाने में आपकी क्या फेवरेट है? चिकन मंचूरियन। क्या बात है। अच्छा ड्राइविंग आती है? मैं बाइकर हूँ। नहीं बाइकर तो मैंने देखी है, वैसे ड्राइविंग? ड्राइविंग भी करती हूँ। तो किस में दिलचस्पी है, बाइक में या ज्यादा गाड़ी में? बाइक में, बाइक की बीट मुझे आ जाए, मैं अपनी गाड़ी, अगर मेरे पास मर्सिडीज ऑडी भी होगी मैं वो भी छोड़ दूंगी। कितनी स्पीड तक भगाई है बाइक? जी 40-60 से ऊपर नहीं लेके गई। ये हैवी बाइक की बात करें? हाँ हैवी। अच्छा मतलब वो अगर बाइक चलाती हो तो डर लगता है जब इस? अभी चला के आ रही हूँ। अच्छा डर नहीं लगा? सही, चोट नहीं खाई होगी ना इस वजह से? डर किस बात का, जहरी सी बात, खुली गाड़ी है तो बाइक गिर जाती है तो इंसान को चोट लगती है। खुली चीजों से मुझे मोहब्बत है। अच्छा गाड़ी में मेरा दम घुटता है, बाइक में मुझे जो है ना सुकून मिलता है। अच्छा और जब भी आपने मतलब यहाँ पे होस्ट की है तो आपको कोई ऐसा इंसान अच्छा लगा है? मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। क्यों, हो तो नहीं सकता ऐसे? तो नहीं हो सकता, मैं लाइव बोल रही हूँ। अच्छा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर कोई मुझ में इंटरेस्टेड है तो आपका मिलाया हुआ नंबर मेहरबान कहीं और ट्राई कीजिए। हाँ ये तो जहर सी बात है, लोग ट्राई तो करेंगे, ये तो माशाल्लाह दुनिया देख रही है, आप फेवरेट भी हो तो जहर कोई ऐसे भी लोग होंगे जो आपके चाहने वाले भी होंगे। आज मेरे कुछ गेस्ट मुझसे मिलने आ रहे थे, मैंने उनको मजाक किया, मजाक भी नहीं मैंने उनको टोपी कराई, लाइव बोलती हूँ, मेरे दिल में रहती नहीं है, मैंने टोपी कराई, यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी थी यार मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं ना नहीं आ सकती। तो मेरा एक जो है डायलॉग वो फेमस गया था बाबा साईं डाले वाला, तो मुझे मैसेज कह रहे हैं बाबा साईं हुक्म करो तारा बुआ डाला लेकर आए तुम्हें फेज वन से उठाए। सही बोल रहे थे, बस ये शौक है मेरे। नहीं अच्छी बात है, इंसान के शौक होने चाहिए, कोई भी हो भले गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके अपने शौक होने चाहिए जो भी दिल में हो, और पूरे भी करे, ऐसे नहीं कि मतलब कोई इंसान बोलता है कि मेरी ये मजबूरी है, ये तो इंसान की चलती रहेगी ये तो हमेशा के लिए। ओके जी अभी आप? नहीं नहीं भले पूछे आप, खुश नसीब है मेरे से इतने सवाल कर रहे हैं। अच्छा और ये भी आप निकाल के रखिएगा कि मैंने भी होस्टिंग की है तारा के शो पे। जी जी इंशाल्लाह वो तो रखूंगा ना, जाहिर सी बात है अपने फेसबुक पे दोस्तों को दिखाऊंगा। बस मुझे मशहूर कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। नहीं आप मशहूर हैं, आपको मशहूर करने की क्या जरूरत है। और कुकिंग की है आपने कभी? कुकिंग आती है, करती नहीं हूं। अच्छा शौक नहीं है? शौक नहीं है, कभी नहीं बोला शौक की। जैसे कल मैंने दाल का तड़का लगा रही थी तो मेरी मम्मा ने मुझसे ले लिया, बोला बेटा नहीं लगाना मैं जिंदा हूँ। नहीं फर्ज करो मामा घर पे नहीं है, फर्ज करो कोई भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप सोई हुई हो, आपको भूख ऐसा हो नहीं सकता नौकर ना हो। मतलब एक होता है ना कि कहीं गए चले गए सब्जी लेने चले गए, या कुछ ऐसा होता है कि कहीं बिजी हो गए, आपको पता नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे उठने से पहले मुझे नाश्ता मिलता है और मेरे सोने से पहले मुझे खाना मिलता है। ये तो हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात पे, आपको सब चीज़ बनाई बनाई मिलती है, वो तो मैं मानता हूँ। अगर नहीं मिलता तो फर्ज करो आप उठ गई मेंढक लौटक मैकडॉनल्ड जिंदाबाद। हाँ ये तो आजकल ये ऑनलाइन बस एक बस बटन 2 मिनट लगते हैं ऑर्डर किया आ जाते हैं। हाँ ये बात है, लेकिन मुझे नूडल्स बनाना आते हैं, चिप्स फ्राई करना आते हैं, चाय बनाना आती है, बहुत मेहनत का काम है। अच्छा माशाल्लाह सही बात है,
जी करने में, जो नहीं करते उसको बोलते हैं कि मेहनत का काम है, और जो करने वाला होते हैं वो बोलते हैं कुछ भी नहीं। पॉपकॉर्न में देती है अम्मी तो बैठी होती है, वो तो बोलती है कि बस फिर मेरा बेटा उठे सब चीज़ कर दूँ उसके। मैं अपनी अम्मी की बेटी नहीं बेटा हूँ। तो वही काफ़ी ऐसे ही होते हैं को उन बेटियों को बेटे ही बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, वो अपना बाजू समझते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छी बात। तो अभी आप भी सवाल करें, मेरे सवाल ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपसे, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड तो इस वक्त हैदर है, और मेरे एक दो और भी हैं जिसमें दिलदार है, आपके पास आया भी था, और एक संजय है मेरे साथ रहे, दोस्त भी है माशाल्लाह। अच्छा, मेरा संजय कुमार हाँ, उसने काफ़ी मरतबा मुझे बोला कि आप तारा बहार के शो में जाते हो। मैंने कहा मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं आवाज़ टीवी में गया हूँ, कभी गया तो मैं आपको ले जाऊँगा, लेकिन आज उसको मैंने कॉलेंगे उसने उठाई नहीं, वो कहीं निकला हुआ था। खैर हो गई, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। मैं आपको मिलूँ, किसी को मिलना है, हमारे यहाँ पे मोहम्मद अकमल शरीफ होते हैं जी, आप यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा हो रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरे स्टूडियो के नीचे लोग आके बेल दे रहे हैं और मेरा पूछते हैं, तो मेरा डायरेक्टर साहब इतनी इज्जत देता है, उनको अपना पर्सनल नंबर भी देता है, उनको चाय का भी पूछता है, उनको खाना भी खिलाता है। तो आप आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, मोहम्मद अकमल से रब्ता करें जी। इंशाल्लाह मैं उससे नंबर ले लूँगा, जब पूरा हो जाएगा शो तो मैं वहाँ से नंबर ले लूँगा, और उससे पहले बोलूँगा आप जाते हुए लाजमी ले लेना वो टोपी ना करा दे, और कल से मैं लाइव चला दूंगी नंबर जी। जी टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको हर सहूलत दूंगी अपने फैंस को, जिसको मुझसे मिलना है मैं कल मोहम्मद अकमल डायरेक्टर साहब का नंबर लाइव चलाऊंगी, और आप उनसे रब्ता करें और मिलने, ये कोई बड़ी बात नहीं है मिलना जी। जी इंशाल्लाह, वैसे भी वो मेरा दोस्त है, वो मिलना चाहता है, तो उसको ले आऊंगा और भाई से नंबर भी ले लूंगा। हाजिर बाबा साईं, बियो हुकुम कयो। बस यो ही हुकुम आसन, जो बियो हुकुम नहीं आसन, दोस्त है जो वो था मिलने चाहे तो बस डन ना। हां ना डन ना, मेहरबानी दानी मेहरबानी। सही है, कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप आज शो पे आए हैं, कैसा लगा शो पर आके, मुझसे मिलके कैसा लगा? जी मुझे आपसे मिलके तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और आपके शो में बहुत मुझे मज़ा आ रहा है और मज़ा भी आया, और मैं लोगों को बोलूँगा मेहनत करें और एक दफ़ा आप तारा के शो में आके देखें, और देखो कितना मज़ा आ रहा है आपको। बस ये मैसेज देंगे मैं, और क्या मैसेज दूँ उन लोगों को? डन कर दूँ प्रोग्राम, बंद करूँ? भले आपकी, वो आप आगे आप चला सकती है तो चलाएं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, जो सवाल करोगे। यहाँ घर वाले इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया, मॉर्निंग शो करने आई हूँ, आर एन एन न्यूज़ वाले ने पूछा था नाश्ते का, मगर मैंने नहीं किया, मैं घर जाके अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करूंगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, कितना झूठ बोलना पड़ता है ना मुझे, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।